श्री अमिताभ जैन सर, यहाँ उपस्थित डीजीपी सर, पीसीसीएफ सर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर, हमारे उपस्थित श्री कुजूर सर, यहाँ पर खेतान सर और हमारे सभी साथियों, लेडीज एंड जेंटलमैन, 36 साल 6 महीने 27 दिन का एक लंबा सफ़र मैंने तय किया। इसके पहले एक साल कॉलेज में अध्यापन का, मैंने ऐसा महसूस किया कि कई लोग केवल नौकरी करने में ही ज़िंदगी खपा डालते हैं। ईश्वर की कृपा से जिन कर्मचारियों से मैंने प्रशिक्षण लिया, वेदर तुलसीराम पटवारी हो या एएसआई हमारे परमेश्वरी सिंह हो या मुक्तेश्वर सिंह हवलदार हो या हमारे पहले कलेक्टर श्री देवचरण सिंह हो या हमारे सम्मानीय कई मुख्य सचिव महोदय, जिनमें अमिताभ जैन सर, जिनकी सौम्यता से मैं बड़ा प्रभावित, और टांड सर, मंडल सर, शिवराज सिंह सर, और मैं किन अधिकारियों के नाम लूँ, बहुत सारे अधिकारी हैं, सुब्रत सर, रेणु पिल्ले मैम, जिनकी डिसिप्लिन और डेडिकेशन लॉ के बारे में बड़ी तगड़ी, बहुत सारे अधिकारियों ने इस कैरियर को बनाने में हमारी मदद की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुरु दक्षिणा में मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ईश्वर ने मौका दिया एकेडमी में आने का, तो मैं उन छात्रों के साथ जो नए लोग आ रहे हैं उनके साथ कुछ अपने अनुभव बांट कर कोशिश करूँ कि उनमें कुछ वर्चूज आएँ जो हमने कभी कोशिश की थी अपने में लाने की। इस दौरान मैंने साहित्यिक क्षेत्र में खूब काम किया, 3 नेशनल अवार्ड जीते, 4 नेशनल अवार्ड जीते, मैं 40-50 किताबें तो नहीं लिखी, आधा दर्जन तो मैंने भी लिखी कम से कम, अभी 2-4 और छपने को हैं। लेकिन इसी बीच मैंने स्पोर्ट्स में अपनी अभिरुचि रखी, एस्ट्रोलॉजी में मैंने अच्छा काम किया, बाकी और चीज़ों में भी मेरी जो रुचियाँ थी मैंने उनको कभी मरने नहीं दिया। मैंने ज़िंदगी का हर क्षण जिया, कल जिएंगे कल की प्रतीक्षा मैंने कभी नहीं की। मैं इसके लिए अपने सभी साथियों का, वरिष्ठजनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीने की प्रेरणा दी और इस तरीके से मैं अपना काम कर पाया। दो चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आदमी न तो किसी को कुछ देता है न लेता है, उसका व्यवहार, उसका तौर तरीका, उसका एटीट्यूड बहुत काम आता है। हम सिर्फ ज़िंदगी में यहाँ पर किसी से कुछ नहीं कहते, इतना ही कहते हैं कि हो सके तो कभी